हमारी मसला एक मुरादर की रहमत क्रम फजल और शुक्र के साथ आज का वलाद करते हैं जी। शुरू हमारे ज़मींदार की कपास दो दफ़ा पहले जा चुकी है और आखिरी लास्ट दफ़ा अभी फिर से लोडिंग हो रही है। गाड़ी चल के आपको दिखाते हैं। दो दफ़ा पहले गए ट्राली पे लोड कर भेजी है और आखिरी दफ़ा अभी सुस्की में लोड कर रही है। चलें आपको भी दिखाते हैं। अंदर लोड किए हुए अभी और कर रहे हैं और ये सारी लोड करने वाली है। मामा सब लग जाएंगी इसमें? नहीं लगेगा, लगेगा, सारी लगेगा, सारी लगेगा, सारी लग जाएगी इसमें। दो तीन भरी जो फट जाएंगे वो रस्सी जाल फटे में लगाएंगे। दूसरा फट्टा भी है? हाँ फट्टा है ना। अच्छा मेहरबानी मामू, आप पियो पियो, आप पियो, मैंने पिए। दोस्त को बोलो चाह पिए। कौन से दोस्त को? कोई दोस्त है, बशीर भी पी रहा है। ये वाले सारी अंदर लगाएंगे और सही तरीके से दबा के, और उसके बाद ये जो बांधी हुई है ये सारी छत के ऊपर लगाएंगे। वो वाले मामू कह रहे हैं कि सारी इंशाल्लाह सारी आ जाएगी इसी में। अभी एक और भी आ गया है मामू। मामू यस भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? कहाँ है? ये गिर कर ना, वो बड़ी बड़ी चिपकली चल रही है। कहाँ है? ये चिपकली मामू की कमीज में घुस गई थी। मामू देर की है तूने? क्या करे, किसान भाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उनके लिए पेट गुजरान के लिए आते हैं। तो कहाँ गया, कहाँ था तू, देर की है तूने? भैया हम इधर थोड़ा घास काटने गया था जमीन खेती बाड़ी पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। और सुनाओ कैसे हो सर? खैर खैर, बड़े मुद्दत के बाद सर आप मामू हमारे को मिले हो। हाँ यार, ये दोनों आपस में भाई है और माशाल्लाह फनी है। टावर के अंदर जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से शोर बहुत आ रहा है। तकरीबन ये वाली लगने वाली है अंदर और इंशाल्लाह सारी लग जाएगी। पहले ये कपास स्कूल के साथ थोड़ी सी जगह होती थी, वहाँ पे रखी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा विलेज वाले स्कूल का काम चल रहा है, इसी वजह से वो वहाँ पे नहीं रखी है, तो इसी वजह से यहाँ पे रखी है टावर में। यहाँ पे मुनासिब समझा रखना। तो ये वाली यहाँ से सारी लग गई हुई है और अभी ये भरियाँ ऊपर लगाएंगे। अंदर से जो लोडिंग करनी थी वो सारी हो गई हुई है, लेकिन ये जो भरियाँ हैं ऊपर लगानी है, लेकिन ये अंदर टावर के नहीं लगाएंगे। गाड़ी को बाहर निकाल के रोड पे खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर छपरा बना हुआ है होटल का, उसकी वजह से ऊपर नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ पे अंदर भरियाँ, गाड़ी बाहर निकाल के बाहर लगाई जाएंगी। अभी इनकी आपस में ये जिद लगी हुई है, वो कह रहा है कि वो नीचे उतरे और नीचे से भरियां उठा के ले आए, और उसकी जिद है कि नहीं ये उतर जाए, मैं नहीं जा रहा। ओ भाई एक उतर आए, लड़े नहीं हुई, एक उतर आए, आप उतर आओ, वो बेचारा गरीब है, दो दो शादियां। मामू तो उठाएगा लेकिन आप नीचे आ जाओ, उसको छोड़ो। Thank you.
मन होगी ये? तीन मन। तीन मन? हाँ तीन मन, तीन मन होगा। माशाल्लाह, देखिए ये कम से कम तीन मन की ये होगी, और ये एक से उठाने से बहुत है। और ये भी चार मन है, ये चार मन है, चार। मामू कह रहे हैं कि ये भी तकरीबन चार मन की है। खैर से पहुंच गई ना? हाँ बच्चे आ गए, आ गए। दो बंदे उठा रहे हैं बहुत मुश्किल से, चार मन भाई बहुत वजन है। एक दो तीन चार और ये पांच, पांच भरियां रह गई हुई है बाकी। तकरीबन लोडिंग हो गई हुई है, बाकी चार भरियां रह गई हुई है, और उसके साथ जो वो साथ वाली जो भरी पड़ी हुई है वो मैंने कहा कि वो मेरे लिए, वही मेरे लिए छोड़ो, वो मैं उठा दूंगा। बाकी ये वजनी उससे नहीं उठाई जाती, वो वाली मेरे लिए छोड़ दो, मैं खुद उठा लूँगा। नहीं ये नहीं 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये नहीं थैंक यू। तकरीबन लोडिंग सारी हो गई है, आखिरी बड़ी मैं उठाकर लेकर जा रहा हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग ये भी ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ को दे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, बहुत सारा प्यार।